चलिए तो अब हम लोग देख लिए फोर्स के बारे में देख लिए, अब वहाँ से कंजर्वेटिव वर्क डन हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर है, ठीक है। कंजर्वेटिव के बारे में लोग अच्छी तरह जानते ना, ठीक है। तो आ जाओ, तो वर्क डन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल, यानी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तब यहां से हम लोग स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल स्टोर हो रहा है, क्योंकि अब उसके पास कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल स्टोर हो गई, क्योंकि पोटेंशियल को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तुम्हारा कंजर्वेटिव वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल स्टोर इन स्प्रिंग ना व्हेन इट इज कॉम्प्रेस्ड और स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग ना, तो पहले जब वो नेचुरल लेंथ में होता है तो उसके पास कोई हरकत नहीं, एकदम न्यूट्रल है, एकदम डेड है ना एक तरह से। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि नेचुरल लेंथ पे उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, ठीक है। एग्जम्पशन है कि पोटेंशियल स्टोर्ड अक्रॉस स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, एक एजम्पशन है ना, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे जब है तो कहीं कोई हरकत नहीं करेगा ना, नेचुरल लेंथ से थोड़ा भी डिस्प्लेस होगा तो अपने पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए हरकत करेगा, उसके पास एनर्जी रहेगा। नेचुरल लेंथ पे है तो कोई हरकत नहीं, मतलब कोई एनर्जी नहीं, ठीक है। तो एक एजम्पशन टाइप लेके चलेंगे कि एट नेचुरल लेंथ, ठीक, या व्हेन स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ पोटेंशियल जी क्या होगा तुम्हारा, जीरो। तो पोटेंशियल जी कह सकते हो इन ए स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ इज क्या मान के चलेंगे बच्चा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी जब वो स्ट्रेस्ड होगा या कॉम्प्रेस होगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ हम लोग क्या मान चुके हैं, वो जीरो। तो आओ मान लो जैसे कि कोई ये इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है, ये इसका क्या है बच्चा, नेचुरल लेंथ। अब इसको थोड़ा सा एलोंगेट कर दे मान लो, या कॉम्प्रेस पहले एलोंगेशन कर ले लें, यहां से मान लो इसको एलोंगेट कर दी, कितना कर दिए। तो अब इस इंस्टेंट पे इसके पास पोटेंशियल कितना स्टोर होगा हम लोग को ये निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसको यूज करो, इनिशियल पोजीशन हमारा ये है और ये वाला पोजीशन क्या है तुम्हारा, यू इनिशियल तो जीरो हो गया, हम लोग क्या निकालना है, ये इनिशियल यू इनिशियल क्या होगा तुम्हारा, वी हैव टू फाइंड, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम लोग कैसे निकाल सकते, वर्क डन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब स्प्रिंग फोर्स का, के एक्स का वर्क डन, ठीक है। तो के एक्स का वर्क डन निकाला जाए तो आ जाओ मान लो जब एलोंगेटेड एक्स, तो के एक्स कॉन्स्टेंट तो है नहीं ना, हर जगह बदल रहा है, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्टोरिंग फोर्स, हर जगह फोर्स क्या है, फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन क्या होता है तुम्हारा, इंटीग्रेट होगा ना, एफ कंजर्वेटिव डॉट, ठीक है। हम लोग मान लें क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है फोर्स, यहां से जैसे जैसे बढ़ते जाओगे जितना इलांगेट होगा, क्योंकि हमको पता है ना कि वो फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल है तुम्हारा, के एक्स, एक्स क्या है तुम्हारा, इलांगेशन या कॉम्प्रेशन, इस केस में क्या है तुम्हारा वो। तो यहां से जितना भी नेचुरल लेंथ तुम डिस्प्लेस हो गए, अगर मान लो एक्स वन हुए तो के एक्स वन हो जाएगा, एक्स टू हुए तो के एक्स टू, पॉइंट टू पॉइंट फोर्स चेंज हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है तुम्हारा, फोर्स चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहां से मानेंगे कि आर डिस्टेंस पे एक डी आर विड्थ है, कितना विड्थ है, डी आर विड्थ है, जिसके लिए हम लोग मानेंगे बहुत इनफाइनिटेसिमली स्मॉल विड्थ ना, हम लोग मानेंगे कि इनफाइनिटेसिमली स्मॉल विड्थ डी आर के लिए फोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेट फॉर इनफाइनिटेसिमली स्मॉल विड्थ डी आर आर इज कॉन्स्टेंट,
आर कांस्टेंट है, आर क्या है तुम्हारा, एलोंगेशन इज कांस्टेंट मान लो, कॉम्प्रेशन के केस में कॉम्प्रेशन कांस्टेंट मान लेंगे ना, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसको ध्यान देखो, ये एलोंगेटेड कंडीशन वाला हम लोग देख रहे हैं, ये नेचुरल लेंथ वाला था और ये एलोंगेटेड कंडीशन वाला देख लो, मान लो यहां से x है ना, यहां से हम लोग r डिस्टेंस पे dr लिए, क्या लिए बच्चा, dr विड्थ लिए। अब यहां पे जब ब्लॉक रहेगा बच्चा, यहां पे ब्लॉक रहेगा, ठीक है, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा ना, kr, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, dr आगे फोर्स पीछे ना, रिस्टोरिंग फोर्स दोनों के बीच का एंगल 180, वर्क डन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, के आर इंटू डी आर, और दोनों के बीच का एंगल, आकाश कहां हम लोग जा रहे हैं, तो माइनस के आर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, कहां से कहां जाएगा, कॉस मैग्नेटिक वैल्यू माइनस वन ना, आर का इंटीग्रेशन, अब अपर लिमिट माइनस, तो क्या जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अपर लिमिट रखे माइनस, वर्क डन कंजर्वेटिव क्या हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, यू इनिशियल माइनस, यू इनिशियल क्या था, यू फाइनल यू ले लो तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यू की वैल्यू क्या हो गया, एक्स क्या, वेयर एक्स इज द एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, कॉम्प्रेशन में भी यही आ जाएगा, यानी जब भी एक्स अगर वो एलोंगेटेड है या कॉम्प्रेस्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम एक पॉइंट लोड कर सकते हैं, इफ दोनों केस के लिए आ सकता है ना, सेम केस किसके लिए आ जाएगा, क्योंकि वहां भी फोर्स अपोजिट ही रहेगा, सेम फॉर्मूला आएगा, वहां भी के एक्स और डी एक्स, डी आर क्या रहेगा, के और डी आर अपोजिट ही रहेगा ना, अभी तक हम लोग देख रहे थे माइनस के एक्स, तो इस केस में यानी कि अगर यहां से लिख ले, दिस सिग्निफाइज दैट इफ इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन इज एक्स, इलोंगेशन ये आइदर कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स, then potential is stored in it is equals to equal to half k x square na, and natural length pe to zero hai, natural length pe to kya hai tumhara, note maar lijiye jaldi,